जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच ओमान क्रिकेट ग्राउंड ओमान के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 19 अक्टूबर को ओमान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है कि दोस्तों मैच नंबर 2 रहेगा दिन का। पहला मैच दोस्तों आपको बताया यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस पीएनजी के बीच में होगा दोपहर को 3:30 बजे। उसके दोस्तों जस्ट बाद यह मैच स्टार्ट होगा। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो पिच रहेगी ना, इस मैच से पहले 5th टाइम यूज पिच यहाँ पे रहेगी इस वेन्यू के ऊपर। इस मैच से पहले इस मैदान के ऊपर 5 मैचेस खेले जा चुके रहेंगे। तो अपने दोस्तों यहाँ पे क्या देखा है, ज्यादातर ना यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 ओवर के अंदर ना हल्का सा स्विंग देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, बॉल ना बैट के ऊपर दोस्तों अच्छे से आती है और बैटर दोस्तों आप एंजॉय करते हैं विद द बैट परफॉर्मेंस करना, ठीक है। अब देखो स्वैनी के ऊपर ना ओमान ने 13 मैच खेले, 7 मैच जीते हैं। वही दोस्तों स्कॉटलैंड ने ना इस स्वैनी के ऊपर 5 मैच खेले, 4 मैच जीते हैं। दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। एक तरफ दोस्तों ओमान है जो अपना फियरलेस गेम दिखाती है, वही दोस्तों एक तरफ स्कॉटलैंड है जो बांग्लादेश को दोस्तों हरा के यहाँ पे फेवरेट्स के रूप में अभी देखी जा रही है। और इस टीम के पास भी दोस्तों स्टार प्लेयर्स हैं। दोनों टीम्स दोस्तों एक बेस्ट टूर्नामेंट मतलब कह सकते हैं टीम्स है इस टाइम पे। अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करी सोनी के ऊपर 7 बार जीती है, ठीक है। तो आइडियल चॉइस क्या है दोस्तों यहाँ पे, आप टॉस जीतो, पहले बैट कर लो विदाउट प्रेशर एकदम पहली बारी के अंदर। और चेस करने वाली टीम ने यहाँ पे 4 मैच जीती है सिर्फ आउट ऑफ लास्ट 11 गेम्स। अपन कह सकते हैं बैट फर्स्ट में 7 मैच जीते हैं, चेस करने वाली टीम यहाँ पे सिर्फ 4 मैच जीती है। एवरेज स्कोर 130-150 आपको बनता दिखेगा। अब देखो लास्ट 9 मैचेस के अंदर सोनी के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने 82 विकेट्स निकाले, पहली बारी में 42 और दूसरी बारी में 50। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों आपको दोनों पारियों के पेसेस को लेके चलना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहली पारी के पेसेस को भर लेते हैं, दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, दोनों पारियों के पेसेस को लेके चलना है। राइट आर्म पेसेस के यहाँ पे 65 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसेस के यहाँ पे 17 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने भी बढ़िया काम करा है लास्ट 9 मैचेस के अंदर। पेसेस के आधे विकेट निकाले हैं, 46 विकेट्स है, पहली बारी में 22 है, दूसरी बारी के अंदर 24 विकेट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे रहते हैं अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो बाय आपसे बॉलिंग कराते ना जडेजा की तरह, उनके यहाँ पे 32 विकेट है। लेग स्पिनर्स 8 विकेट है, तो कुल मिलाकर 40 विकेट तो यहीं पर हो गए। जो बचे 6 विकेट वो ऑफ स्पिनर्स ने निकाले हैं यहाँ पे। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था नाइट का दोस्तों मैच था, ये भी नाइट का मैच है, रात का मैच है, मैच नंबर 2 रहेगा दिन का। तो उस मैच के अंदर ना क्या हुआ था, जो लास्ट मैच था ओमान वर्सेस बांग्लादेश जो था 19 अक्टूबर को, उस मैच के अंदर ना 13 विकेट पेसर्स के थे, 5 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स के थे। तो आप समझ सकते हो नाइट वाले दोस्तों मैच के अंदर विकेट ज़्यादा गिरते हैं। सनी वेदर रहेगा, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों न्यूज़ तो वही है, सेम चीज़ है, बस स्कॉटलैंड को एडवांटेज क्या है, इनके पास जोस डेवी हैं, ब्रैड विल हैं, जॉर्ज मंची हैं, जो दोस्तों बड़े इंक्लूजन्स हैं इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, और वही दोस्तों आके यहाँ पे खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड के लिए बहुत बड़ी बात है। जोस डेवी आपको पता है सॉमरसेट के लिए खेलते हैं, ब्रैड विल दोस्तों आपको बताया रहेगा ये हैम्पशायर के लिए खेलते हैं, जॉर्ज मंची दोस्तों कैंट के लिए खेला करते थे, कैंट स्पेटिफायर्स की एक टीम थी ना उसके लिए। दोनों टीम दोस्तों आपस में 5 मैच खेल चुकी है, आपको पता नहीं रहेगा। और स्कॉटलैंड दोस्तों 5 बार जीती है, इनके बीच में 8 मैचेस खेले जा चुके हैं। ओमान की तरफ से ओपन करेंगे द शिखर धवन फैन जतिंदर सिंह आएंगे यहाँ पे अक्की बयास, मतलब जतिंदर सिंह दोस्तों गब्बर के फैन है, शिखर धवन के बहुत तगड़े वाले, उन्होंने खुद ही कहा है। आएंगे फिर यहाँ पे कश्यप प्रजापति राइटी बैटर है, जीशन मकसूद आएंगे लेफ्टी बैटर प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, कैप्टनसी कर रहे हैं। नसीम खुशी कीपर राइटी, मोहम्मद नदीम आएंगे दोस्तों, पिछले मैच में 14 रन स्कोर करा था, एक छक्का चौका शामिल था, इनको ऊपर खिलाना चाहिए। राइटी बैटर राइट आर्म मीडियम फास्ट है, संदीप गौड़ राइटी बैटर है, अयान खान लेफ्टी हैं, बिलान खान लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। फिर आएंगे दोस्तों कलीमुल्ला राइट आर्म मीडियम, फिर आएंगे दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान के अंडर-19 प्लेयर फयाज भट्ट या फयाज अहमद आप कह सकते हो, इन्होंने दोस्तों केएल राहुल को गोल्डन डक पे आउट करा था, आपको पता रहेगा, तो वो भी दोस्तों बहुत वायरल हुआ था इनका वीडियो 1-2 दिन के अंदर। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छे बॉलर है दोस्तों।
जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था अपन दोस्तों डायरेक्ट ही कह रहे थे भाई साहब को प्लेइंग 11 में लेना चाहिए, और इनको मैं हर टाइम दोस्तों प्लेइंग 11 में ही शो कर रहा था, लास्ट टाइम वीडियो में भी शो कर रहा था। अच्छे बॉलर है एक तरीके से, कवार अली को दोस्तों बाहर करा है, वही बात है यार 50 ओवर के प्लेयर है दोस्तों, 20 ओवर में इतना अच्छा करा भी नहीं उन्होंने। स्कॉटलैंड की बात करते हैं, जॉर्ज मंशी ओपन करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। काइलर कॉर्डर दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म है, मैथ्यू ग्रॉस आएंगे यहाँ पे, कड़क प्लेयर है दोस्तों, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। रिचर्ड बर्मिंगटन हार्ड हिटर बैटर इन फॉर्म कह सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा फॉर्म है इनका, राइट ही बैटर है, बॉलिंग दोस्तों बहुत कम कराते हैं। कुलम मैकलॉड राइट मीडियम मतलब राइट ही बैटर ऑफ स्पिनर है, क्षमा चाहता हूँ, माइकल लिस राइट ही बैटर ऑफ स्पिनर है। क्रिस ग्रीव्स आएंगे यहाँ पे, ये राइट ही बैटर लेग स्पिनर है। मार्क वाट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। जॉर्ज डेवी यहाँ पे दोस्तों राइट आर्म मीडियम फास्ट है। शफिन शरीफ यहाँ पे आ सकते हैं, फिर दोस्तों अलसदी रिवांस आते हैं। ब्रैडविल यहाँ पे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। जो लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे हिट कर दे, ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले दोस्तों। बेहतरीन कंटेंट देने की आपको हमेशा कोशिश करूँगा ये दोस्तों, मेरा आपसे वादा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आए दोस्तों तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सिखा के जाऊँगा। ओमान की बात करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस में क्या हुआ था, जितेंद्र सिंह 1-8-5-4। अब दोस्तों जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ पहले मैच के अंदर आते हैं दोस्तों, कुछ 70 रन की नॉक खेली थी अगेंस्ट पीएनजी, लास्ट मैच में दोस्तों इनका कैच भी ड्रॉप हुआ था, एकदम बोल देना दोस्तों हाथ वाला कैच था वहाँ पे, पर चलता है दोस्तों, देख के अच्छा लगता है, प्लेयर अच्छा है दोस्तों, अपने हाथ में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो उसको अपन दोस्तों बैठ के यार रो नहीं सकते, अपन दोस्तों इन्जॉय कर सकते हैं गेम को, क्या चलता कोई बात नहीं है, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, भाई ने बहुत मेहनत करी थी जितेंद्र सिंह ने, और इनको चांस मिला दोस्तों, फिर शॉट्स भी अच्छे मारे थे, एंटरटेन करा था, याद है ना आपको, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शाकिब अल हसन को दोस्तों कवर्स के ऊपर से सिक्स मारा, इनसाइड आउट शॉट मारा था, क्या दोस्तों शॉट था वो, एक नंबर शॉट था। तो देखिए दोस्तों अच्छा लगता है ऐसे प्लेयर्स को। आकिब यास 78 है, 30 है, 2 विकेट है, 59 3 रन है, ये दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है मेरे हिसाब से, आपको सबसे पहले इनको प्रीफर करना चाहिए पूरी टीम के अंदर, मैं आपसे कहूँ विद द बैट ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लास्ट मैच में मिस टाइम मतलब मिस जज कर दिया था बॉल, सीधी बॉल थी, LBW विद आई थिंक। आएंगे फिर यहाँ पे मोहम्मद नदीम 29 है, 11 है, 2 विकेट है, 32 है, मतलब ज़्यादा कुछ करा भी नहीं था उन्होंने, बस विद द बैट परफॉर्मेंस दे सकते थे ये उम्मीद थी। और जीशान मकसूद 1 विकेट 1 रन है, 29 है, 16 रन है, फिर यहाँ पे 9 रन है। नशीम गुशी 14 6 कुछ खास नहीं है, ये भी संदीप गौड़ भी कुछ खास नहीं है, खान भी इग्नोर कर सकते हो। कवार अली को दोस्तों आप ले सकते हो, ग्रैंड लीग्स के अंदर खेलते हैं तो बिलाल खान इंपॉर्टेंट है। खलीमुल्ला दोस्तों अच्छे फॉर्म में थे प्रैक्टिस मैचेस में, आप देख सकते हो 1-4-1-1 विकेट है। फयाज बट दोस्तों स्टार्टिंग तो मैच में फॉर्म में नहीं थे, प्रैक्टिस मैच में 0-0 विकेट से, फिर देखो दोस्तों 1 विकेट 2 विकेट है, तो भी अच्छे प्लेयर है। कश्यप प्रजापति दोस्तों एक ऐसे प्लेयर है जो आएंगे और जल्दी जाएंगे, ऐसे प्लेयर मतलब क्यों कह रहा हूँ, ये दोस्तों मारना चालू करते हैं, लंबा टिक गए दोस्तों अलग बात है, उनका दिन हुआ तो, वरना दोस्तों आते हैं मारना चालू करेंगे। 0-7-2-0 ऐसा है इनका, पिछले मैच में भी छक्के से खाता खोला था मुस्तफिजुर रहमान के सामने। स्कॉटलैंड की बात करते हैं, मंशी दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, आप देख सकते हो कॉर्डर फॉर्म में नहीं थे, क्रॉस दोस्तों अच्छे फॉर्म है, बर्मिंगटन तो दोस्तों कड़क फॉर्म के अंदर है, 41-61-25। कुलम मैकलॉड भी ठीक ठाक प्लेयर है, माइकल लिस के दोस्तों कभी कभी चलते हैं अपने दिन के हिसाब से, इनको बॉलिंग नहीं मिल रही यार ज़्यादा, ये लफड़ा सबसे बड़ा, इनको चांस नहीं मिल रहा ज़्यादा विद द बॉल, एक दो डालते हैं जिसमें विकेट ले गए तो कंटिन्यूस 2-3 ओवर डाल जाएंगे। शफिन शरीफ 2 विकेट था, 1 विकेट था, 0 था। जॉर्ज डेवी मस्ट भी होने चाहिए, क्रिस ग्रीव्स मस्ट भी होने चाहिए। मार्क वाट को दोस्तों मैं आपसे क्यों कहूँगा प्लान्स के अंदर रखना है, सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 8 या 10 के आसपास आ चुका है, देखो प्रैक्टिस मैच में 2 विकेट है, 11 रन दिया 4 ओवर में, समझ रहे हो दोस्तों, मतलब 4 ओवर के अंदर भाई साहब 11 रन कौन देता है, फिर देखो 4 विकेट है, 19 रन दिया 4 ओवर में, फिर यहाँ पर 2 विकेट निकाला, 34 रन दिया उसने 2 ओवर के अंदर, बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे। ब्रैडविल मस्ट भी होने चाहिए, ओवरऑल T20 स्टैट्स की बात तो कर ही लेते हैं, और आपको हेड टू हेड स्टैट्स भी यहाँ पे लगात बता दूंगा। जतिंदर सिंह ने आज तक T20 के अंदर 40 मैच खेले हैं, T20 के अंदर ओवरऑल, और 40 मैच के अंदर 30 के एवरेज है, 1000 के ऊपर रन है, हाई 68 नॉट आउट है, 30+ इसने 14 बार करा है, 30+ इन द सेंस आपको ऐसे समझना है कि भाई साहब ये 40 मैच तो खेला है लेकिन चला कितनी बार है, चला दोस्तों 14 बार है। अब देखो हेड टू हेड के अंदर क्या करा इसने, स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 मैच के अंदर 9 की एवरेज 27 रन है। अकेबी यास को दोस्तों हेड टू हेड मैच के अंदर 2 मैच में 1 विकेट है, 42 रन है, और ये शायद मंशी को बॉलिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग के ओवर्स में तो मुश्किल है, मिडिल ओवर्स के अंदर करेंगे शायद 6-7 ओवर में अगर वो खेल जाते हैं तब तक। मोहम्मद नदीम 4 मैच में 4 विकेट 38 रन है। जीशान मकसूद 3 मैच में 4 विकेट है 47 रन है। नसीम गोशी 2 मैच में 0 रन है। संदीप गौड़ का 1 मैच में 31 रन है। हेड टू हेड के अंदर ठीक स्टैट्स है थोड़े से। अयान खान यहाँ पे नहीं खेला है। कवार अली का हेड टू हेड में 2 मैच में 56 रन 2 विकेट है। बिलाल खान का यहाँ पे हेड टू हेड के अंदर 3 मैचों में 4 है। कलीमुल्ला का 1 मैच में 0 है। फयाज भट्ट का 2 मैच में 0 विकेट है। सूरज कुमार को तो चांस ही नहीं मिलेगा आई थिंक स्टार्टिंग और कलीमुल्ला बिलाल खान और फयाज भट्ट डेथ ओवर में कलीमुल्ला बिलाल खान फयाज भट्ट। बात करते हैं स्कॉटलैंड की, मंशी बाबा यहाँ पर
ओवरऑल टी ट्वेंटी स्टैट्स आप समझ सकते हो कि 54 मैच खेले ओवरऑल टी ट्वेंटी के अंदर, मंची ने 28 की एवरेज है, 1400 रन आए, 127 30 प्लस 19 बार गिरा, हेड टू हेड के अंदर चार मैच में 13 की एवरेज 51 रन है। काले कॉर्जर का हेड टू हेड के अंदर पांच मैच खेले इसने, आज तक दोनों टीम्स ने पांच ही मैच खेले हेड टू हेड के अंदर, और भाई साहब ने पांच के पांच मैच खेले, 92 रन 18 की एवरेज है। मैथ्यू रॉस का चार मैच के अंदर 138 रन है, दोस्तों कड़क प्लेयर है, 46 की एवरेज है। बर्मिंगटन ने पांच मैच खेले 117 रन है, 39 की एवरेज, एक विकेट है। कुल्लम मैकलॉड गजब स्टैट्स है यहाँ पे, पांच मैच 101 की एवरेज है, 203 रन एक विकेट है। मैकल इसका हेड टू हेड के अंदर तीन मैच में 38 रन एक विकेट है। शफीन शरीफ का चार मैच में 8 विकेट है, जॉस डेवी का दो मैच में एक है। शफीन शरीफ दोस्तों खेलेंगे तो ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं अच्छे खासे। क्रिस ग्रिव्स का हेड टू हेड तो खेला ही नहीं है इसने। मार्क वाट ने हेड टू हेड में तीन मैच में 6 विकेट निकाले। अलस्दी रिवांस दोस्तों एक अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर, तीन मैच में 7 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। क्रैग वॉलेंस की बात करते हैं तो तीन मैच में 6 रन है। स्टार्टिंग ओवर ब्रैडविल, जॉस डेवी, अलस्दी रिवांस या तो शफीन शरीफ। बात करेंगे यहाँ पे डेथ ओवर में ब्रैडविल आएंगे, जॉस डेवी आएंगे, मार्क वॉट आ जाते हैं एक ओवर लेके, शफीन शरीफ या तो अलिस रिवांस। बात करेंगे दोस्तों वेनिस स्टैट्स की, जो सनी के ऊपर गया है, होम ग्राउंड ओमान का है, ओमान इस मैच को होस्ट कर रही है और अच्छा लगता है दोस्तों ऐसे कंट्रीज होस्ट करती हैं जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला जाता हो, फुटबॉल खेली जाती है दोस्तों यहाँ पर। और मेरे को आइडिया भी नहीं दोस्तों ज़्यादा गेम्स कौन से खेले जाते हैं, ज़्यादातर आई थिंक फुटबॉल खेला जाता है यहाँ पे। उन्होंने आई थिंक थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड कप भी होस्ट करा था ओमान ने, ओमान हो गया, कतार हो गया, सब ठीक है। तो देखो यहाँ पे 11 मैच के अंदर 30 के एवरेज है, 340 रन है इस वेन्यू के ऊपर, अच्छा कर रहा है। लास्ट में जो 40 करा था उससे पहले कुछ 60 के ऊपर गिरा था। अभी भी आज का 8 मैच के अंदर 196 रन 29 के एवरेज, कुछ खास करा नहीं है लेकिन बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, टेक्निक अच्छी है इनकी जब खेलते हैं तो। कश्यप प्रजापति 4 मैच में 43 रन है, जीशन मकसूद 9 मैचों में 10 विकेट है और 83 रन है। नसीम खुशी 11 मैच में 87 है, संदीप कौड़ का 11 मैच में 88 रन है, अयान खान का 4 मैच में 52 है, मोहम्मद नदीम का 13 मैचेस में 12 विकेट 103 रन है। नॉट सच स्पेशल स्टैट्स लेकिन अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। लास्ट मैच में कैच भी ड्रॉप आता है एक हाथ वाला। कवर अली का यहाँ पे 10 मैच में 14 विकेट 178 रन, अच्छे प्लेयर दोस्तों भी माने जाते हैं। बिलाल खान दोस्तों स्विंग करते हैं पावर प्ले के अंदर तो भाई साहब का अलग ही इकोनॉमी रहती है बॉलिंग से, 12 मैचों में 16 विकेट्स है। कलीमुल्ला दोस्तों अच्छी गति से डालते हैं, हाइट इनके पास एक्स फैक्टर इनके लिए, 5 मैच में 6 विकेट है। फयाज बट 10 मैचों में 8 विकेट है और ठीक बॉलर है दोस्तों, अच्छा एग्रेशन था इनके अंदर। मंची 32-50-16 29-15, काइले गॉर्जर 1-74-3-0-6 है, मैथ्यू ग्रॉस का 5 है 0 है, 10-11-45 है। रिचर्ड बर्मिंगटन का यहाँ पे 2 रन है, 47 है, 2 है 70 लास्ट टाइम कराए था। कुलम मैकलॉड 53-35 है, 29 है, नॉट आउट रहे 2 बार, फिर 5 है 10 है। माइकल लीस कहेंगे यहाँ पे 11 रन 0 विकेट है, फिर 0 विकेट है, फिर 9 रन 0 विकेट है, इस यानी पे कुछ खास करा नहीं है। क्रिस ग्रीव्स का यहाँ पे 45 2 विकेट 2 रन 1 विकेट है। मार्क वाट का यहाँ पे दोस्तों कड़क स्टैट्स हैं, 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट है, 3-3 विकेट निकाले थे ना, आई थिंक ये टीम थी ओमान के खिलाफ निकाले थे। फिर देखो यहाँ पे 1 विकेट है 1 विकेट है। जॉर्ज डेवी 1 विकेट 4 विकेट है। शफीन शरीफ 1 विकेट 1 विकेट 0-0। ब्रैडविल का यहाँ पे 4 विकेट है मात्र 2 मैचेस के अंदर। अलाज़ रिवांस का यहाँ पे जो है ना, अलाज़ रिवांस इनके यहाँ पे कुल मिला के 4 मैचेस में 4 विकेट। कॉमन कैप्टन आपको सब जगह दिखेंगे जिशन मकसूद बर्मिंगटन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रैंड लीग में दोस्तों आप बनाएं यहाँ पे किसको, मंची को बनाएं, बर्मिंगटन को बनाएं, मार्क वाट को बनाएं, जॉर्ज डेवी तो ब्रैडविल में दोस्तों एक स्पेशल हमेशा रहता ही रहता है। आप प्रीवियस गेम उठा के देख लो, जेस डेवी स्पेशल थे, जॉर्ज डेवी उससे प्रीवियस गेम में ब्रैडविल स्पेशल थे, तो इनका चलता रहता आपस के अंदर। और यहाँ पे आप ट्राई करना जीशन मकसूद को, थोड़े से रिस्की हैं लेकिन मेरे हिसाब से यार एक दो डालेंगे यार, वही देखते हैं। अकी भी आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्मिंगटन दोस्तों एक अच्छे प्लेयर है, मार्क वाट एक स्पेशल प्लेयर हमेशा रहेंगे आपके लिए और अपने लिए। बात करेंगे टीम्स की तो यहाँ पर दोस्तों कप्तान साहब है ब्रैडविल, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे मार्क वाट है, आप इनको भी कैप्टन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत स्मार्ट स्पिनर है, टप्पा अच्छा है इनका, हाइट भी दोस्तों अच्छी खासी इनके पास। जितेंद्र सिंह, प्रजापति हो गए, मंची हो गए, मैंडी क्रॉस हो गए, बर्मिंगटन, क्रिस ग्रेव्स। अगर बाई चांस दोस्तों आप यहाँ पर लेना चाहते हो किसको, काइले कॉर्जर को, आउट ऑफ फॉर्म हो दोस्तों, एक प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म चले जाता है ना तो उसके दोस्तों बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है। आप फॉरनर को देख लो दोस्तों, प्रैक्टिस मैचेस में भाई ने कुछ नहीं करा, अपन दोस्तों वो कवर कर सकते थे। मैं आपको रीज़न बताऊं दोस्तों प्रैक्टिस मैचेस मैंने क्यों कवर नहीं करे, वो दोस्तों अच्छे होते हैं, व्यूज भी दोस्तों बहुत तगड़े आते हैं प्रैक्टिस मैचेस के अंदर अपन कवर करते हैं ना, लेकिन दोस्तों रीज़न वही है कि प्रैक्टिस मैचेस में ना चीज़ अपने हाथ में होती नहीं है, कोई भी दोस्तों कभी भी बॉलिंग करने आ जाएगा, कभी दोस्तों चला जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों आपको भी, फिर आप वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि यार अपन ने जिसको लिया था वो आया नहीं दोस्तों खेलने, या फिर 10 बॉल खेल के चला गया, तो फिर दोस्तों मुझे खुद दुख होगा आपके लिए। तो मैं इसलिए प्रैक्टिस मैच को अवॉइड करा था, इसको दोस्तों एंजॉय करें आप, समझे प्रैक्टिस मैच को देखें आप, वहाँ पे प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज देखें किस तरह से खेल रहा है दोस्तों, क्या वो गेम को सही रीड कर पा रहा है कि नहीं, क्या दोस्तों शॉट्स उसके मिडिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो बॉलर दोस्तों बॉलिंग कर रहा है उसका टप्पा कैसा आ रहा है, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करनी है प्रैक्टिस मैचेस में, वार्म अप मैचेस में दोस्तों इसलिए होते हैं वो। टीम दोस्तों अपना रोल देखती है कि भाई इस बॉलर का रोल क्या रहेगा, एक
प्रॉपर टाइम पे दोस्तों किस बॉलर को कहाँ पे बॉलिंग कराई जाएगी, जब विकेट्स निकाल लें, तो इस तरह से दोस्तों ये रहता है ना, वार्म अप मैचेस लिए काम आते हैं सिर्फ, अपने लिए दोस्तों काम के ज़्यादा मैचेस नहीं है वो, बस अपने को आइडिया लग जाता है वर्ल्ड कप में क्या होगा करके। देखो यहाँ पे मैथ्यू ग्रॉस इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मेरे हिसाब से, तो चलते हैं यहाँ पे जतिंदर सिंह, ये अच्छे प्लेयर दोस्तों हैं, द फैन ऑफ गबरू। फिर आएंगे यहाँ पे मंशी, मैकलॉड दोस्तों एक अच्छे पिक हो सकते हैं पर बहुत रिस्क यार, नीचे खेलते हैं वैसे दिक्कत हुआ है। प्रजापति दोस्तों एक ठीक पिक है वैसे तो देखा जाए। फिर आएंगे यहाँ पे मकसूद बाबा, ऋषभ रेमिंगटन, क्रिस ग्रेव्स, अकीब अयाज। मैं आपसे कहूँगा दोस्तों इसमें से आप पिक करना है दो प्लेयर्स को, तो ठीक है। अब जो बचे बैडमिंटन, ये दोस्तों हीटियम इस टाइप प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, देखा जाए तो टेक्निक बहुत सॉलिड है, दो छक्के स्टेडियम के बाहर ही मारे थे। ईशान मकसूद दोस्तों एक ऐसे प्लेयर हैं जो दो या एक ओवर डालते हैं विद द बैट, दोस्तों कभी कभी परफॉर्मेंस दिए जाते हैं। बिलाल खान इंपॉर्टेंट है, जोश देवी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ब्रैड विल दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरे दोस्तों मार्कवाड भी इंपॉर्टेंट है। अब बचा लास्ट प्लेयर, वो बचता है दोस्तों एक तो फयाज अहमद या फयाज भट्ट कह लो, ऐसा तो उनका नाम फयाज भट्ट है पूरा एक तरीके से, वो तो अहमद बना दिया दोस्तों लोगों ने, उमर वालों ने। फिर जगह से कलीमुल्ला, ये दोस्तों एक अच्छे प्लेयर हैं, ग्रैंड लीग्स के अंदर ट्राई कर सकते हो, गति इनके पास, अगर दोस्तों ओमान बॉल फर्स्ट करती है ना तो आप प्रीफर कर सकते हो इन तीनों को। मैं आपसे सीरियसली कहूँ तो ये तीनों देख रहे हैं, बिलाल हो गया, कलीमुल्ला हो गया, फयाज अहमद हो गया, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग अच्छा है इनका, और अगर ओमान पहले गेंदबाजी करती है तो आई थिंक 7-8 विकेट निकाल सकती है, जैसे बांग्लादेश का निकाला था लोगों ने, 3 विकेट भाई साहब ने निकाल दिया था, 3 विकेट इसने निकाल दिया था, 2 विकेट इसने निकाल दिया था, 8-9 विकेट गिरे थे वहाँ पे आई थिंक, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगा तो दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन आप अपडेट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, और ये कहूँगा दोस्तों अपने आपको बैक करें, लाइफ यही होती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।